डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक नरेंद्र दामोदर मोदी की। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत में बदलाव और विकास लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की कहानी की। नरेंद्र मोदी भारत के 16वें प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 में हुआ था। नरेंद्र के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हरिबेन मोदी था। उनके तीन भाई हैं, सोमभाई मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। मोदी जी की एक बहन भी है, उनकी बहन का नाम वसंतीबेन मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती शिक्षा वडनगर के एक सरकारी स्कूल से करी। मोदी जी के शिक्षक बताते हैं कि वह एक साधारण छात्र थे, लेकिन वह डिबेट और स्पीच देने में सबसे बढ़िया थे। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद मोदी जी ने अपने बड़े भाई सोमभाई मोदी के साथ चाय बेचने का काम शुरू किया और कुछ समय के बाद उन्होंने घर छोड़कर उत्तर भारत के कई राज्यों में हिंदू संस्कृति की जान पहचान करने गए। 4 साल उत्तर भारत में समय बिताने के बाद वह वापस गुजरात आ गए और अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के साथ जुड़कर काम करने लगे। साल 1978 में मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और साल 1983 में पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात यूनिवर्सिटी से पूरी करी। इसके बाद वह अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में भाजपा से जुड़े। साल 1995 में गुजरात में भाजपा की सरकार बनी और सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी को सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की जिम्मेदारी दी गई। इस यात्रा की सफलता में नरेंद्र मोदी ने एक अहम भूमिका निभाई और इस सफलता से नरेंद्र मोदी को पार्टी का महामंत्री बना दिया गया। यहां से मोदी जी का दिल्ली तक पहुंचने का सफर शुरू हुआ। साल 2001 में केशुभाई पटेल भाजपा की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2002 में लालकृष्ण आडवाणी ने केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पहले छोटी सरकारी संस्थाओं और बिजनेस को मजबूत बनाने का काम किया। साल 2007 के विधानसभा चुनावों में भी मोदी जी को भारी बहुमत से जीत मिली। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने बेसिक ज़रूरतों जैसे बिजली, सड़क, पानी पर काफ़ी प्लानिंग की और सभी लोगों तक पहुँचाया। साल 2012 में नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल लोकसभा चुनावों के कारण सिर्फ 2 साल का रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जीवन में एक ऐसा भी समय रहा जिसमें मोदी जी सभी के निशाने पर रहे। हम बात कर रहे हैं फरवरी 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगों की। गोधरा के पास ट्रेन से जा रहे तीर्थयात्रियों को कुछ मुसलमानों ने ट्रेन के साथ ही जलाकर मार दिया था। इस गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा शुरू हो गई। इन दंगों में मीडिया और ऑपोजिशन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाया, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने पूरे देश में 430 से ज़्यादा रैलियां की। ये रैलियां देश के 25 राज्यों में कराई गईं। 2014 के चुनावों में मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार थे। भाजपा की जीत पूरी तरह नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई थी और ऐसा हुआ भी। भाजपा ने 2014 के चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने कई वादे भी किए, जैसे इन्फ्लेशन रेट को कम करना, GDP ग्रोथ और विदेश से कालाधन वापस लाना। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और डीमोनेटाइजेशन जैसे अहम फैसले भी लिए। उन्होंने वन नेशन वन टैक्स के स्लोगन के साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्मार्ट सिटी जैसे कुछ ज़रूरी अभियान भी चलाए और 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक भी करी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टार्टअप स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। Thank you.